हाय, देखो न्यूज़ पढ़ना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना ही मेरा काम है न्यूज़ पढ़ना, ना ही मैंने कभी सीखा ही है। लेकिन न्यूज़ पढ़ के मुझे बताने पड़ रहा है आपको बार बार, और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूँ। इस बार अच्छी खबर है, और आज है तारीख 14 और मंडे को है 17। आज है फ्राइडे और मंडे को है 17 तारीख। 17 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कि आपको ये पता चल सकता है कि इसके बाद आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया रुकी हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड की, ये कब शुरू हो सकती है। तो इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी प्रिपरेशन है DSSSB कैंटोनमेंट बोर्ड या जो भी वैकेंसीज हैं उनकी प्रिपरेशन हम आपको करवा सके। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड अक्रॉस द कंट्री विद MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन दिल्ली। दिल्ली में होने वाली है ये मीटिंग। कब होने वाली है? 17 तारीख को, मंडे को होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड के, पूरी अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, ठीक है। और ये डिसाइड करेंगे ऑन द ट्रांसफर ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड। आपको पता है 62 कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं इनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इसी के ऊपर ये मीटिंग होनी है, ठीक है। पहले न्यूज़ पढ़ लें, फिर आगे बताते हैं कि पेपर कब तक हो सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सॉट द फीडबैक फ्रॉम द CEO। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप जितने भी CEO हैं आप अपना पक्ष रखें और बताएं कि क्या डिसीजन आपका होना चाहिए और ट्रांसफ़र को लेके, और किस तरह से इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमको बता दीजिए, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको पढ़ के बताता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज, देखो ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज भी होंगी, और सर्विसेज में आपकी आ जाती है टीचिंग, सफाई वाला, माली, गार्डनर, या जो भी इसकी सर्विसेज हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जितनी भी सर्विसेज हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, अभी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ दिक्कत क्या आ रही है। करंट्री वाटर सप्लाई एरियाज, देखो ये सब आपके मतलब की चीज़ नहीं है, तो मैं एकदम नीचे आ जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक दिक्कत आ रही है। हाउ एवर द सोर्सेस, सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि कमिटी के पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, कैंटोनमेंट बोर्ड के तो CEOs हैं सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अभी तक जो है सवालिया निशान लगा हुआ है कि कौन से आपके हो सकते हैं जो क्वेश्चन पूछेंगे रेजिंग अबाउट हु विल रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और द डिसीजन ऑफ द ट्रांसफर इज एक्सपेक्टेड टू बी टेकन इन द मीटिंग, कि इस मीटिंग में पता चल सकता है कि भाई ट्रांसफ़र कैसे, कब और क्यों हो सकता है। नेसेसरी फीडबैक तो पहले ही लिए जा चुके हैं, लेकिन अब जो है फाइनल डिसीजन लेने की बारी आ गई है, ठीक है। इफ द ट्रांसफर इज अप्रूव्ड, अगर ये ट्रांसफर हो जाता है, इट विल मार्क अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है। जो भी गवर्नेंस अभी तक होती थी उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा कैंटोनमेंट बोर्ड के, ठीक है। ट्रांसफर इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो सफाई वाला की हो, गार्डनर की हो, इंजीनियर की हो, डॉक्टर्स की हो, जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक बेहतर से बेहतर सिटीजन्स को हम प्रोवाइड कर सकें कैंटोनमेंट बोर्ड को मर्ज करके म्यूनसिपल के साथ, ठीक है। और आगे लास्ट में लिखा है डिसीजन विल ऑल्सो हैव अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एज दे हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कि अभी तक जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था अब वो म्यूनसिपल बोर्ड के अंदर आ जाएंगी, और अभी तक अगर आपकी नौकरी हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में अब वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगी म्यूनसिपल बोर्ड के अंदर, नगर निगम के अंदर, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है 17 तारीख को, तो उसका रिजल्ट जो है 18 तारीख को या 19 तारीख को या 17 ही तारीख को हमें पता चल जाएगा। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो मर्जर, देखो मर्जर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, ये बहुत आसानी से नहीं हो जाता है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगला महीना है अगस्त का, और मुझे लगता है 15 अगस्त, ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि 15 अगस्त या उसके बाद जो है मर्जर हो सकता है सितंबर तक। और एक बार मर्जर हो गया तो बाकी रुकी हुई अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ज़रूरत तो उनको है ही टीचर की, इंजीनियर की, या जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी नौकरियां उन्होंने निकाली थी तो ज़रूरत तो उनको है ही, तो वो कहाँ से लाएंगे उसको वैकेंसीज को फिल करने के लिए। तो मेरा ये मानना है
कि जल्द से जल्द अक्टूबर तक, ऐसा मैंने अपने कमेंट्स में भी कई बच्चे पूछ रहे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे यूट्यूब के कमेंट्स में कि कब हो सकता है, तो मैंने पहले भी कहा है कि अक्टूबर तक आपका पेपर जो है हो सकता है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो अगर आप लोगों ने नहीं करी है, और हम भी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराने लगेंगे जैसे ही इस मीटिंग का रिजल्ट आएगा मंडे को। जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेके चलेंगे। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर तक आपका पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जितनी भी तैयारियां अभी रुकी हुई हैं उसको हम उसे फिर से शुरू से करवाने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़, ये एनालिसिस आपके लिए एक अच्छी खबर होगी और आपको एक पॉजिटिविटी मिली होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।